इस हफ्ते भारतीय बाजारों में कई कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाली हैं। यानी कि ये पूरा हफ्ता कई खासियतों से भरे स्मार्टफोन्स के नाम होगा। सबसे पहले बात करेंगे चीनी स्मार्टफोन कंपनी रियलमी की। जी हाँ, रियलमी 15 जुलाई को भारतीय बाजार में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी 3i को लॉन्च करेगी। कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर मौजूद टीजर पेज पर एक एक करके इसके फीचर्स को अपडेट करना शुरू भी कर दिया है। टीजर पेज के मुताबिक फोन में 6.22 इंच का वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, 4230 mAh की बैटरी और मीडिया टेक हीलियो P16 प्रोसेसर होगा। कंपनी ने इसके बैक पैनल के लुक को भी जारी कर दिया है। इसमें ग्रेडियंट डायमंड कट डिजाइन देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे ओप्पो कंपनी के नए फोन की। ई कॉमर्स साइट अमेज़न ने ओप्पो K3 के टीजर पेज पर इसके लॉन्चिंग डेट को कंफर्म कर दिया है। कंपनी यह फोन 19 जुलाई को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। अमेज़न ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि ओप्पो K3 मई में चीन में लॉन्च किया जा चुका है, जिसके बाद अब यह भारत में डेब्यू करने की तैयारी में है। फोन की खासियत की बात करें तो इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा सेटअप, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 256 GB तक का इंटरनल स्टोरेज दिया हुआ है। इसके अलावा रेडमी के दो फोन भी इस हफ्ते लॉन्च होंगे। रेडमी K20 और रेडमी K20 प्रो को भारत में 17 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसी दिन से फोन की बिक्री भी शुरू की जाएगी। ग्राहक इसे ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे। कंपनी ने फोन की प्री बुकिंग शुरू भी कर दी है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में 6.39 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन है। रेडमी K20 प्रो के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर दिया गया है। गेमिंग परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए Xiaomi ने नए सॉफ्टवेयर फीचर गेम टर्बो 2.0 को भी इस फोन में दिया है। तो इस हफ्ते अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके पास कई वैरायटी मौजूद है। हर फोन की अपनी अपनी खासियत भी है। अब देखने वाली बात होगी कि ये फोन्स भारतीय बाजारों में कितनी कमाई कर पाते हैं। न्यूज़ 111 के साथ ज्योति शुक्ला की एक रिपोर्ट। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।